डॉक्टरों को भगवान का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है। कोरोना काल में डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लगातार वे कोरोना मरीजों के उपचार के साथ साथ खुद ही कहा जा सकता है कि परिवार के जब लोग भी जब संक्रमित हुए तो वो खुद अपने परिवार के भी इलाज खुद से किए हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी जो हैं डॉक्टर चंद्रमौली यादव, वो इस वक्त मौजूद हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि यह पूरा एक साल किस तरह से उनका गुजरा, चूँकि जितने कोरोना के जो संक्रमित जो मरीज थे उनकी देखभाल की कहीं ना कहीं एक बड़ी जवाबदारी इनके कांधों पर थी। तो डॉक्टर साहब, पहले तो ईटीओ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप जो हैं पिछला एक साल जो है, कौन सी ऐसी स्थिति, कितने पेशेंट का आपने उपचार कर चुका है और किस तरह के लेवल के जो मरीज़ हैं वो आ रहे थे? पहले जब कोरोना छत्तीसगढ़ में चालू हुआ था, अप्रैल मई से आना चालू हुआ था दुर्ग में, तो हम लग उस समय पर ओपीडी देखा करते थे। दिन में 200-300 मरीजों का हम लोग जाँच किया करते थे। तो शुरुआत में जब कोरोना आया था तो लोगों को में भय था, तो लोगों में सतर्कता भी थी, लोग बाहर नहीं निकलते थे। फिर ये काल जो है अक्टूबर नवंबर तक चला, उसके बाद तो मृत्युएं भी हुई, लोग बहुत संक्रमित हुए। बीच में फिर ऐसा ढीलापन आ गया था जिसके कारण अचानक से फिर कोरोना दोबारा बढ़ा है। और अभी क्या है, जो है अभी का जो कोरोना है वो 3 दिन में ही पूरे फेफड़े को संक्रमित कर दे रहा है। और दूसरी समस्या इनके साथ ये है कि सेचुरेशन जो है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जिसे हम कहते हैं SpO2, वो गिरता नहीं है, लेकिन उसमें फेफड़े में पूरा संक्रमण फैल गया होता है। इस समय क्या तकलीफ होती है कि अचानक से सांस लेने में तकलीफ होती है। और अभी लोग जो भी हैं उतने जागरूक भी नहीं लगते हैं, क्योंकि जब बीमारी जो सांस लेने में 4 से 5 दिन तक जब उनको तकलीफ़ होती है तब जाके वो अस्पताल आते हैं। और कभी कोई कोई तो इतनी ही बुरी स्थिति में आते हैं कि अस्पताल आते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, कुछ देर के उपचार के बाद उनकी जान चली जाती है। कोई ऐसा कोई पल जो कोई ऐसा यादगार कोई पल रहा होगा, या कुछ ऐसा जो उपचार के दौरान अचानक किसी पेशेंट की मौत हो गई होगी, तो उस दौरान आपको कैसा महसूस? देखिए, डॉक्टर होने के नाते हमें, हमारा तो ये फ़र्ज़ है कि सब चीज़ को भूल के हम एक इंसान की जान बचाएं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, हमारे सबकी जान की कीमत बराबर होती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हर एक इंसान की जान बचाई जाए। अभी कुछ दिनों पहले इलाज करने के दौरान जो है 20 दिन के लिए ICU में एडमिट थी हमारे यहाँ की 21 साल की लड़की। तो उसका लगभग जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसके 1.5 महीना पहले से उसको लक्षण जो है चालू हुआ था, पर उन्होंने एडमिशन ही बहुत देर बाद लिया। फिर भी 20 दिनों तक उसने अपने जीवन के साथ संघर्ष किया, अंततः उससे हम नहीं बचा पाए। वो बहुत दुखदाई था क्योंकि 20 से 21 साल की लड़की थी वो। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आप जो हैं अस्पताल में लगातार कोरोना संक्रमण 12 घंटे लगभग तकरीबन आप ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी PPE किट, जो दम घूंटों वाला जो PPE किट है वो आप लगाए रहते हैं, पूरे पसीने से लथपथ रहते हैं, इस दौरान घर परिवार से भी कहीं ना कहीं आप दूर बना के रहते हैं, तो क्या क्या कुछ महसूस करते हैं ऐसे वक्त? इस समय अब देखिए, मैं तो घर का अकेला हूँ। इस समय माँ बाप भी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनको भी अगर आवश्यकता होती है इस समय पे किसी चीज़ की तो हम उनके पास नहीं जा पाते हैं। ये डर लगा रहता है कि कहीं उनको संक्रमण हो ना जाए। इसी बीच में क्या बोलते हैं, मेरे घर में भी संक्रमण फैला, मेरे चाचा भी खुद यहीं एडमिट थे, अभी मैंने हाल ही में उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जिला अस्पताल में, और मेरे पिताजी भी एक रायपुर के निजी चिकित्सालय में इलाजरत हैं अभी भी। तो इस ये सब चीज़ों का भी हमको सामना करना पड़ता है कि हमको घर को भी देखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि घर में भी इसका संक्रमण ना फैले, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, घर को संभालते हुए भी अपने ड्यूटी का, अपने कर्तव्य को भी निभाना पड़ता है। क्या लगता है आपको, जब आपके जब चाचा जब एडमिट थे उनका उपचार आपने खुद किया, तो उस दौरान क्या कुछ महसूस किया करते थे आप? देखिए, भले ही डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पेशा जो है अपनी जगह है, लेकिन घर के लोग घर के ही होते हैं, उनके साथ क्या है कि हमारी स्वयं की भावनाएं जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के साथ नहीं जुड़ी होती, इंसान तो सभी हैं, पर जो घर के साथ आत्मीयता, एक अलग आत्मीयता होती है घर के लोगों के साथ, तो एक मन में डर आ जाता है। इलाज तो हम करते हैं लेकिन हर पल ये डर लगा रहता है। मुझे याद है मैं 6 से 7 दिन तक 2 से 3 घंटे तक सो के काम करता था। मैं 12 घंटे ड्यूटी करता था उस टाइम पर, 12 घंटे वाली शिफ्ट चल रही थी मेरी जिला अस्पताल में नाइट की, और क्या बोलते हैं, उसके साथ ही घर को भी देखना पड़ता था। घर वालों के भी सबके फ़ोन आते थे, दीदी के, चाचा लोग के, पापा के, उसी बीच पापा भी संक्रमित हुए, तो सबको संभालना पड़ता था। फिर अपनी ड्यूटी भी निभानी पड़ती थी, फिर उनका इलाज करना पड़ता था। तो ये समय थोड़ा कठिन रहा मेरे लिए और अभी भी चल ही रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते आप डॉक्टर भी हैं और उसके साथ साथ आपके घर में, चूंकि आपने खुद कहा कि आप अकेले हैं घर पे, और ऐसे में आप कैसे घर को मैनेज करते हैं और अस्पताल में भी जा करके मरीजों को मैनेज करते हैं, क्या है आपका ये मैनेज करने का तरीका क्या? देखिए, जो ड्यूटी का समय होता है, नाइट ड्यूटी के समय नाइट ड्यूटी करके घर जाते हैं, घर तो जा नहीं सकते,
अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा था, जैसे कि थोड़ा बहुत ठेले वगैरह से छूट है तो उससे सब्जी लेकर के घर जा करके गार्ड के माध्यम से छुड़वा देते हैं। यहाँ घर के किराए के घर में रहते हैं तो मम्मी उनको सब्जी छुड़वा देते हैं, उसके बाद फिर अपने जहाँ हमको रूम मिला है वहाँ से नहा धो के हॉस्पिटल जाते हैं, पिताजी की देखभाल करते हैं, वहाँ जैसे उनकी दवाई या पैसे की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं, वहाँ दिन भर रह के फिर क्या बोलते हैं एक दो घंटा अगर सोने को मिला तो ठीक है, रात को फिर ड्यूटी करने आते हैं, इस तरीके से भी चल रहा है। जैसे आपने बताया पिताजी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, रायपुर अस्पताल में भर्ती हैं, अभी आप कब ड्यूटी करके, अब चूंकि आपने खुद कहा रायपुर जा रहे हैं तो क्या कुछ कब निकले आप वहाँ से और किस तरह का अभी आपका शेड्यूल बना हुआ है? अभी मैं घर आया था कुछ कुछ आवश्यक सामान को छोड़ने के लिए, राशन पानी को लियो, और फिर अभी मैं जाऊँगा पिताजी के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले करके वापस अभी आऊँगा, ड्यूटी करूँगा, फिर उसके बाद कल सुबह फिर जाऊँगा ड्यूटी करने के बाद उनके पास। ये जो नया जो स्ट्रीम आया है ये किस तरह का है, क्या कुछ आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, तो सबसे पहले तो वो डरे नहीं, मैं जितने लोगों को भी अभी देख रहा हूँ मेरे घर में भी खुद लोग मैंने देख रहा हूँ कि वो चेक कराने से डर रहे हैं, है ना, तो जो जाँच होती है कोरोना की, चाहे RT-PCR हो, ट्रू नॉट एंटीजन जो भी है, वो अगर लक्षण उनमें थोड़े भी दिख रहे हैं तो कराएं, क्योंकि समय रहते अगर चीज़ें पकड़ में आ जाती है तो जान बच रही है, ऐसा नहीं कि कोरोना के कारण मृत्यु हो रही है, लेकिन जो बहुत गंभीर स्थिति में आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की हो रही है, बाकी लोग तो अच्छे से बच के जा रहे हैं। हमारे यहाँ का भी रेट भी बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है कि अभी मृत्यु दर हमारे यहाँ कम हुए हैं, डेली 5 से 10 डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये देख के ना जो बहुत ही अलग ही खुशी होती है अंदर से। तो लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ अगर उनके में लक्षण है तो वो डरे नहीं, आके इलाज कराएं, जो हमारा प्रशासन है हम सभी उनके सेवा के लिए बैठे हुए हैं, हम जितनी कोशिश हो सकती है हम करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे ताकि उनकी जान बच जाए। अभी तक जिला अस्पताल में अब तक आपने कितने पेशेंट का उपचार कर चुका है सकुशल जो वहाँ से अस्पताल से भी डिस्चार्ज? ऐसे गिनती तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जितने लोगों को मैंने डिस्चार्ज करा है 500 से ऊपर ही है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता सकता मैं, इतनी काउंटिंग तो होती नहीं है डेली की। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमौली यादव जी, उनका यहाँ पे साफ तौर पे ये कहना है कहीं ना कहीं एक डॉक्टर होने के नाते भी, एक चूँकि वो भी एक इंसान है और उनकी भी फैमिली है, और ऐसे समय में खुद वो लोगों की मदद करते करते, लोगों का उपचार करते करते, उनके परिवार के भी जो लोग हैं वो संक्रमित हो चुके हैं, इस दौरान उनके चाचा का खुद उन्होंने जिला अस्पताल में उपचार किया है, हालाँकि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं लेकिन इस वक्त उनके पिताजी जो हैं वो रायपुर अस्पताल में वो भर्ती हैं। तो ऐसे में इन योद्धाओं का भी एक जो सम्मान की अगर बात की जाए तो वो सम्मान भी होनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए, और ऐसे ही योद्धाओं का ईटीवी भारत भी सलाम करता है। राजेश निषाद, ईटीवी भारत, दुर्ग।